कथा नर्सरी के तरफ से आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम ड्रॉप वैरायटी जैकफ्रूट प्लांट्स। अब देख सकते हैं ये पौधे को थोड़ा सुलाया दिया गया है, इसमें ग्राफ्टिंग होने वाला है, इसीलिए ये सब ये रेड वैरायटी का ड्रॉप वैरायटी का जैकफ्रूट प्लांट्स है। करीब से देख सकते हैं, और दूसरे वैरायटी का भी दिखाएंगे हम, उसमें अभी ग्राफ्टिंग चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये सब ड्रॉप वैरायटी का प्लांट्स है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बुशी होता है प्लांट्स। देख सकते हैं इधर, यहाँ ये दूसरे वैरायटी का प्लांट्स है, आर्ली वियतनाम जैकफ्रूट प्लांट्स है, इसका ग्राफ्टिंग चल रहा है अभी, देख सकते हैं आप। ये जो निचला हिस्सा है ये सीडलिंग वाला हिस्सा है, और इसको इसका ब्रांच से डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। देखिए का पेड़ है, ये देखिए ऐसी सीडिंग करता है। अब देख सकते हैं 100% ग्राफ्टेड पौधा है, और हम ये रिटेल और होलसेल में पूरे इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा। अगर किसी भी किसान ये फ्रूट अगर खेती करना चाहता है तो एक एकड़ में ये फ्रूट 400 से मतलब 400-430 तक पौधा लग सकता है, ठीक है। और ये एक साल में दो बार येल्डिंग होता है इसका, मतलब टू सीजन्स, एंड इट्स स्टार्ट येल्डिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटेशन, मतलब एक साल में आपको ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें 8 महीने वाला पौधे में फल लग गया है। ये पहले सीजन वाला फ्रूट है, ध्यान से देखिए। ये है आर्ली वियतनाम जैकफ्रूट प्लांट्स, इसे आर्ली वियतनाम इसीलिए कहा जाता है कि इसका फ्रूटिंग आर्ली होता है। हाँ, और वो जो दूसरा वाला प्लांट है, आप फर्क भी इसको देख सकते हैं। ये है आर्ली वियतनाम जैकफ्रूट प्लांट्स, और ये है रेड जैकफ्रूट ड्रॉप वैरायटी। इस ये थोड़ा ज़्यादा बुशी होता है, और इसमें फल आने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 1.5 साल से ज़्यादा, लेकिन ये वाला प्लांट में 1 साल में ही फल लग जाता है। और ये सब प्लांट्स किसी भी सॉयल, अगर जहाँ पे देसी जैकफ्रूट उगता है ऐसा किसी भी सॉयल में आप इसका खेती कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहेगा। और एक साल में हर पौधे से, मतलब एक एक सीजन में 20-30 पकड़ के चलिए, तो एक पौधे में हर साल आपको 50-60 फल मिल जाएगा। और इसका अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस द फ्रूट इज सो स्वीट।